हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट्स। फ्रेंड्स, सब लोगों को टेंसेस के नाम पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि टेंस कितने टेंस होते हैं, क्या होते हैं टेंस, क्यों होते हैं टेंस। तो गाइस, टेंस का मतलब होता है जब भी हमें कोई भी सेंटेंस बोलना होता है, हमें टाइम बताना ज़रूरी होता है। कल हो रहा है, आज हो रहा है, अब हो रहा है, कब हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन होता है टेंस। तो हमारे कितने टेंस होते हैं? तो तीन मेन टेंस को तो सब जानते होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये तीन हमारे मेन टेंसेस होते हैं, और इनके भी चार सब टेंसेस होते हैं। वो होता है सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो होते कैसे हैं, क्या फ़र्क होते हैं इनमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपली ये बताता है कि जस्ट ये चीज़ अब हो रही है, तो हम उसको डू या तो डस से बताते, तो आई ईट, ही ईट्स, तो हम डस ही शी ईट के साथ यूज करते हैं, और बाकी सबके साथ हम डू यूज करते हैं। अब पास्ट, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस बोलता है कि हो चुका है ये चीज, तो डिड, मैंने खेला था, मैंने खाया था, आई एट एन आर, आई एट, आई प्लेड, तो ये बताने के लिए डेड यूज़ करते हैं। सबके साथ बड़ा कॉमन सा चीज़ है डेड। और फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस सिंपली ये बताता है कि ये चीज़ फ्यूचर में होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विल या ऑप्शन। तो आई विल गो फॉर अ वॉक, तो मैं कोई चीज़ फ्यूचर में करूँगी, उसको बताने के लिए हम फ्यूचर यूज़ करते हैं। सिंपल फ्यूचर सिंपली ये बताता है कि फ्यूचर में ये चीज़ होगा। ना कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, कि कोई चीज़ है जो चालू हो गई और कुछ समय तक वो काम चल रहा है, तो उसको कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम एम, इज और आर यूज़ करते हैं। आई के साथ एम यूज़ होता है, ही शी इट के साथ इज यूज़ होता है, बाकी सब के साथ आर यूज़ होता है। और इसमें एक खासियत होता है, क्योंकि वर्ब कंटिन्यूस टेंस है, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है वर्ब के साथ आई एन जी। आई एम ईटिंग एन एप्पल, ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग, तो आर गोइंग, तो ये सब बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या क्या यूज़ करते हैं, एम इज़ आर यूज़ करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, वर्ब आई एन जी, सब के साथ यूज़ करते हैं वर्ब का आई एन जी फॉर्म। कंटिन्यूस आ गया, यानी आई एन जी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। नाउ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट क्या हो जाता है, वॉज, वेर, वॉज या तो वेर यूज़ करेंगे, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, बाकी सबके साथ लगता है वेर। आई और एम, इन दोनों की जगह पे आ जाता है वॉज, और आर की जगह पे आता है वेर, जब उसको पास्ट टेंस करते हैं। और फिर उनको कैसे करते हैं, वर्ब को आई एन जी फॉर्म में लिखते हैं। कौन से फॉर्म में, आई एन जी फॉर्म में दोस्तों। और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या करते हैं, कि जैसे आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज प्लेइंग, वी वेर रनिंग, तो ये सब यूज़ करने के लिए हम पास्ट टेंस बताते हैं कि हम पास्ट में ये चीज़ कर रहे थे, कंटिन्यू था ये काम, ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद हम ये बता रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस, तो विल बी, शैल बी से यूज़ करते हैं हम, विल बी, शैल बी, और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ब आई एन जी, ये कॉमन होता है, जहाँ भी कंटिन्यूस टेंस आएगा यानी वर्ब के साथ आई एन जी तो आएगा ही आएगा। तो ही विल बी प्लेइंग, तो वो खेल रहा होगा, कंटिन्यूस टेंस है। ही शैल बी रनिंग इन द रेस, ठीक है, वो रन कर सकता है, ही विल, मतलब वो रन करता हो, कर रहा होगा फ्यूचर में। तो अगेन ये चीज़ें कॉमन होती है, सिर्फ एम इज जो प्रेजेंट होता है, आई के साथ एम लगता है, ही शी इट के साथ इट इज लगता है, और बाकी सब के साथ आर लगता है। उसी तरह एम इज की जगह जहाँ लगता है उसकी जगह पे आ जाता है वॉज, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, तो ऐसे लगता है। नाउ परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में क्या लगता हैज और हैव, परफेक्ट टेंस अक्सर इसलिए यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि एक इवेंट से पहले एक इवेंट हो चुका होगा, ये डिस्क्राइब करने के लिए हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल,
स्कूल जाने से पहले मेरा होमवर्क हो चुका होगा। तो अगेन ये हम हैज़ एंड हैव से यूज़ करके बता सकते हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसके साथ वर्ब है ना थर्ड फॉर्म में आता है। वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स होते हैं। पास्ट के साथ आता हैड, ये आएगा, इसके साथ आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पीपी फॉर्म्स में आएंगे। और फ्यूचर के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आएगा विल हैव और शैल हैव, और वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पीपी फॉर्म के साथ लगेगा। तो आई विल हैव रैन द रेस, शी विल हैव प्लेड द गेम, शी विल हैव वॉन द गेम, इट विल हैव रेन द नाइट। तो ऐसा हम कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। विल हैव का मतलब हमारे एक इवेंट से पहले दूसरा एक इवेंट ख़त्म हो चुका होगा। तो ये डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस। अब आया प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें ऐसा है कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी, इन दोनों का मेल होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हैज़ परफेक्ट है तो हैज़ हैव लग जाएगा, हैज़ हैव लगेगा। और हम इसके बेस लेते और इसके आईएनजी यूज़ करके हम दोनों मिक्स करके सेंटेंस बनाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आई होप गाइस ये 12 टेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। इस पे हर एक टॉपिक पे यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के विद सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने अलग अलग वीडियो बनाए, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उन्हें भी एज अ रेफरेंस देख सकते हैं। अगर एक बार आप उनको देख लेंगे तो आपका हमेशा के लिए टेंसेस पे से सारे डाउट हट जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा, अगर आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।